नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पहेली। आपके साथ मैं हूं नवजोत सुंधावा। दो अक्षर का मेरा नाम, आता हूं मैं खाने के काम, उल्टा होने पर नाच जाऊं, अपना क्यों मैं नाम बताऊं। आप सोचिए इस पहेली का हल, इसका उत्तर हम आपको कार्यक्रम के आखिर में देंगे। चलिए फिलहाल रूबरू होते हैं हमारी आज की पहेली से। हमारी आज की पहेली जुड़ी है एक ऐसे स्थान से जहां जब भी खुदाई की जाती है वहां एक खोए हुए नगर का वैभव सामने आता है। देवी देवताओं की असंख्य प्रतिमाएं निकलती हैं। आज वो स्थान रिहायशी इलाके में तब्दील हो चुका है, लेकिन दावा यह किया जाता है कि अगर आज भी उस स्थान के 2 किलोमीटर के इलाके में खुदाई कर ली जाए तो राजा महाराजाओं का अकूत खजाना सामने आ सकता है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के उदयपुरा में एक जगह है रिछावर, जो नर्मदा नदी के तट पर बना है। कहते हैं कि वहां आज भी स्थापित है वो शिवलिंग जिसे स्वयं जामवंत ने स्थापित किया था, और इसी शिवलिंग की उपासना करके श्री राम को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। और तो और, यहाँ रीछराज जामवंत की बनाई ऐसी कई गुफाएं मौजूद हैं जो नर्मदा नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर निकलती हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं रहस्य और तिलिस्म से भरे सफर पर। ये पहेली है एक नगर के वैभव और पतन की। ये पहेली है मूर्तियां उगल रही एक धरती की। ही बताते थे कि यहाँ पर इतना खजाना है कि पूरी पृथ्वी का 2.5 दिनार का खर्च निकल जाता है। ये पहेली है एक खजाने के अविश्वसनीय दावे की। क्या वाकई में खजाने के लालच में यहाँ रक्तपात हुआ होगा, या नर्मदा के तीव्र वेग ने इस नगर को जमींदोज कर दिया होगा? क्या वाकई यहाँ की गुफा के किसी छोर में आज भी वो अकूत दौलत महफूज है जिसकी चकाचौंध से किंवदंतियां रोशन है, जो दावों और फसानों में तो है लेकिन कभी किसी के हाथ नहीं आई? क्या वाकई में जामवंत के पास कोई खजाना भी था? किंवदंती है कि रायसेन के जामगढ़ में भी जामवंत की गुफा है जहां स्यमंतक मणि कहीं छुपी हुई है। इस मणि को लेकर यहाँ श्री कृष्ण और जामवंत के बीच 27 दिनों तक युद्ध हुआ था। तो क्या स्यमंतक मणि की शक्ति से जामवंत के पास खजाना आ गया था? नहीं, बताते थे कि यहाँ पर इतना खजाना है कि पूरी पृथ्वी का 2.5 दिनार का खर्च निकल जाता है। जी, हम ये सुना था रहा अभी तक, सियाने बुजुर्ग लोग भी हमारे बाब में अतारी थे, वे लोग जाके कहते कि जहाँ बना खजाना है शंकर मंदिर है, रिछाड़ जो रिछराज की गुफा है वहाँ पे बहुत बड़ा माल खजाना है। कभी किसी के हाथ लगा नहीं? लगा नहीं अभी तक तो नहीं। एक बार खुदाई भी हुई थी, पुरातत्व ने खुदाई की थी तो उसमें मूर्तियां निकली थी, खजाना तो नहीं निकला। यही बताते कि 2.5 एकड़ जमीन हो जाम मान चलो है कछु कछु हुए वहां में। उत्सुकता तो हमें भी बहुत थी उस गुफा में दाखिल होने की, जिस गुफा से होकर जामवंत नर्मदा को पार किया करते थे। क्या वाकई में यहाँ नर्मदा नदी के अंदर से कोई सुरंग निकलती है या फिर ये कोई अफवाह है? स्थानीय लोग दावा करते हैं कि यहाँ 2 रिछावर हैं, एक छोटा रिछावर और दूसरा बड़ा रिछावर। एक रिछावर रायसेन जिले में तो दूसरा रिछावर नरसिंहपुर जिले में पड़ता है। शायद रीछराज जामवंत के नाम पर ही इन स्थलों का नाम रिछावर पड़ गया होगा। बताया जाता है इधर पर बहुत बड़ा जंगल था पहले, यहाँ पर जामवंत जी भी मतलब स्थायी रूप से इधर ही रहते थे और भगवान की जो स्थापना है उनके द्वारा यहाँ की गई थी। हाँ जी, बताते हैं कि यहाँ से गुफा नर्मदा जी के लिए जाती है और जामगढ़ भगदेई है,
वहां पर निकलती है गुफा। कभी कभी जब नर्मदा जी का पूर बढ़ता है तो यहाँ पानी आ जाता है इस मंदिर में और भगवान शिव उस पानी में जलमग्न हो जाते हैं। हम रायसेन से 100 किलोमीटर का सफर तय करके उदयपुरा पहुंचे और उदयपुरा से 27 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद त्रेता काल के कहे जा रहे रिछावर में थे, जहां कई हैरत अंगेज घटनाओं से हमारा सामना होना अभी बाकी था। मान्यता है कि रिछावर के जामवंतेश्वर मंदिर में आकर श्री राम ने 3 साल तपस्या की थी और उनके साथ थे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रिछराज जामवंत। कहते हैं कि इस मंदिर में कई अविश्वसनीय घटनाएं होती हैं। दावा तो यहां तक किया जाता है कि जब भी नर्मदा में बाढ़ आती है तो मंदिर की सुरंग से अपने आप ही दुधिया पानी निकलने लगता है, जिससे शिवलिंग का जलाभिषेक खुद ब खुद हो जाता है। रामायण की कथा कहती है कि रावण के वध के बाद श्री राम पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था और तब भगवान के प्रायश्चित का निवारण किया जामवंत ने। इस मंदिर की कहानी नर्मदा पुराण में ऐसा पढ़ने को मिलता है कि ये बहुत प्राचीन मंदिर है, हजारों वर्ष पुराना ये मंदिर है और इस मंदिर के बारे में ऐसा अभी सुनने को मिलता है कि यहाँ पर बहुत सारा खजाना भी है। त्रेता युग में जब राम रावण युद्ध हुआ था तो राम जी को ब्रह्म हत्या लगी थी, तो जामवंत जी ने राम जी को बताया था कि एक रिक्षेश्वर गांव का नाम है, शंकर जी का भव्य मंदिर बनाया गया है, वहां पर आप जाकर नर्मदा के किनारे जाकर तप करिए, वहां आपकी ब्रह्म हत्या का पाप आपका मिट सकता है। तो राम जी को जामवंत जी लेकर यहाँ पर आए थे। कहते हैं कि जामवंत शिव भक्त थे, उन्होंने ही रिछावर की शिवलिंग की स्थापना की थी, जहाँ आज भी वो मंदिर बना हुआ है जिसे जामवंतेश्वर के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इसी स्थान पर श्री राम ने 3 साल तक शिवलिंग की पूजा की, जिससे उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल सकी थी। इसके विषय में बताया जाता है कि ये त्रेता युग का बना हुआ है जी। जैसा भगवान राम जी को रावण मारने के बाद ब्रह्म हत्या लगी, उस समय उसका निवारण करने के लिए जामवंत जी ने कही थी कि नर्मदा खंड पे चलो, तो ये उसी समय के शिवलिंग जामवंत जी के हाथों से निर्माण हुआ। जामवंत जी उनके साथ में थे हैं, और जामवंत जी को रिछराज कहते थे, वही रिछराज के नाम से गांव का नाम रिछावर पड़ा। इस मंदिर की सबसे बड़ी पहेली जुड़ी है इसके दूधिया पानी से। स्थानीय लोग बताते हैं कि जब भी नर्मदा में बाढ़ आती है तो उसकी धाराएं इसी मंदिर की चरण वंदना करती है और मंदिर की सुरंग से होते हुए नर्मदा का पानी दूधिया रंग का हो जाता है, जिससे स्वतः ही शिव जी का अभिषेक हो जाता है। आखिर मंदिर की गुफाओं के अंदर से होकर बहता नर्मदा का पानी दूधिया कैसे हो जाता है, ये कोई नहीं जानता। उन्हीं के द्वारा एक गुफा है, एक गुफा गुफा बनाई गई है। ऐसा यहाँ पढ़ने मिलता कि जामवंत जी इस गुफा के माध्यम से सूक्ष्म रूप धर करके जाते थे और इस नर्मदा जी में स्नान करते थे। स्नान करके आकर यहाँ पर शिव जी की पूजा पाठ करते थे। जब बरसात का समय आता है तो नर्मदा जी का जल इस गुफा के माध्यम से दूधिया होकर यहाँ पर आता है और शंकर जी का अभिषेक करता है। रिछावर में जो पहेली सबसे ज्यादा उलझी हुई थी वो थी यहाँ के खजाने की पहेली। कोई इसे जामवंत का खजाना बता रहा था तो कोई इसे राजा महाराजाओं की अकूत दौलत। आज भी यहाँ के गर्भ से किसी गुम हो चुकी सभ्यता के निशान मिल रहे हैं, आज भी जमीन से मूर्तियां बाहर आ रही हैं और साथ ही फैल रही है खजाने की अफवाह, जिसका दावा तो हर तरफ है लेकिन दीदार किसी ने नहीं किया। नर्मदा पुराण में उल्लेख भी मिलता है, वो चीज प्रमाणित है, ये वहाँ पे है, अभी मकान बन गए हैं, उनको हटा के अगर खुदाई की जाए तो वहाँ पे मिलने की संभावना तो है। गुफा भी है, ऋक्षराज ने तपस्या भी की है थी, तो वे बताते हैं कि इधर खजाना भी है, हमने तो अभी नहीं देखा, खैर सुना है अकेला, ऐसा है कि उधर माल तो है, खजाना मिल सकता है, पर उधर बसीगत हो गई है।
इस स्थान का जिक्र शिव पुराण और नर्मदा पुराण में भी मिलता है। कहते हैं कि आक्रांता औरंगजेब के शासनकाल में इस मंदिर को भी तोड़ा गया। स्थानीय निवासी दावा करते हैं कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही कहानी सुनते आ रहे हैं कि यहाँ खजाना छिपा हुआ है। हमने तो इसको इसी स्थिति में देखा है और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं और यहाँ जो साधु संत लोग जो भी आते हैं उनके मुख से सुना है कि 1100 ईस्वी का यह मंदिर बना हुआ है और यहाँ बताया जाता है, खजाने के बारे में भी सुना है कि हम वो मतलब पृथ्वी का 2.5 दिन का खर्चा है इधर। यहाँ हर तरफ देवी देवताओं की प्रतिमाएं बिखरी पड़ी है, जैसे किसी वैभव का यहाँ पतन हुआ हो, जैसे कोई महल यहाँ रहा हो। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि यहाँ पर पत्थरों पर एक लिपि में कुछ लिखा हुआ है जिसे अब तक डिकोड नहीं किया जा सका। हो सकता है कि लिपि ही खजाने की कुंजी हो जिसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका। अच्छा, वहाँ से कुछ प्रमाण भी मिलते हैं, जैसे उन्हें प्राचीन जो शिल्पियाँ निकली हैं उनमें कुछ लेख भी हैं, वो हम आप तो उनको पढ़ नहीं सकते, लेकिन पुरातत्व विभाग के लोग उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। रिछावर में खजाने की उड़ती अफवाहों पर सरकार की भी निगाहें पड़ी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ खुदाई भी करवाई, लेकिन यहाँ देव प्रतिमाओं के सिवाय कुछ नहीं मिला। आज भी यहाँ हर तरफ मूर्तियों के भग्नावशेष बिखरे पड़े हैं और साथ ही अनसुलझी है खजाने की पहेली। पुरातत्व विभाग ने कुछ वर्ष पहले यहाँ पर खुदाई भी की थी खजाने की खोज में, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं मिला और इस मंदिर को जीर्ण रोग छोड़कर यहाँ पर पुरातत्व विभाग चला गया है। आज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी मूर्तियां पड़ी हैं। कुछ दिन पहले पुरातत्व विभाग ने आके थोड़ा सर्वेक्षण भी किया था, खुदाई भी की थी और बुजुर्गों के मुंह से हमने हमेशा सुना है कि वहाँ पे खजाना भी अकूत है। तो अभी निकाला किसी ने नहीं है? नहीं, निकाला किसी ने। एकदम सरकारी मशीनें जरूर लगी थी लेकिन वे फेल हो गए और पत्थर मत्तर निकाले थे। मंदिर की जो सीमाएं थी वे तोड़ी है, लेकिन खजाना के जो है नहीं पहुंच पाए। जहाँ से पूरा संपदा निकल रही है आज वहाँ हर रहवासी बस्तियां बन गई है। लोग दावा करते हैं कि अगर इन बस्तियों को हटाकर यहाँ पर गहराई से खुदाई करवाई जाए तो खजाने से जुड़ी गुत्थी मिल सकती है। यहाँ पे हम देख भी रहे हैं कि वहाँ पे आबादी हो गई है, तो वहाँ पे पुरातत्व विभाग के लोग खोद नहीं पाए हैं। मकान बन गए हैं, निर्माण कार्य हो गए हैं, लोगों के काफी बड़ा एरिया है। वो पुरातत्व विभाग वालों को भी इसकी निश्चित सीमा नहीं मिल पाई क्योंकि मंदिर इतना बड़ा है कि मतलब मंदिर के आसपास उस जगह पे मकानों का निर्माण भी हो गया है। मकानों के नीचे पत्थर मिलते हैं, आज बहुत पत्थर मिलते हैं। कहते हैं कि यहाँ परमार और कलचुरी शासकों ने 11वीं-12वीं शताब्दी में भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया था और रिछावर गांव के प्राचीन शिव मंदिर के आसपास कई बेश कीमती प्रतिमाएं आज भी दबी हुई है। यहाँ 1.5 से 2 फीट खुदाई करने पर ही मूर्तियां निकलने लगती हैं। अब बारी थी उस गुफा का रुख करने की जहां से होकर जामवंत बड़े रिछावर से छोटे रिछावर तक जाया करते थे। रिछावर में नर्मदा के तट पर कई पहेलियां थी। हम भी नर्मदा को पार करके निकल पड़े उस गुफा की ओर जहां जामवंत का रहस्य लोक था। चमगादड़ों और किंचुलियों की भरमार थी, साथ ही सदियों से सफर कर रही खजाने की अबूझ पहेली भी जो अब तक अनसुलझी थी। क्या वाकई में ये वो स्थान रहा होगा जहां रघुवर ने तपस्या की होगी? क्या वाकई में इसी स्थान पर जामवंत रहा करते होंगे? अपने आने जाने का ठिकाना उन्होंने इन सुरंगों को बनाया होगा।
हम शिव के जाम बंतेश्वर मंदिर के दर्शन कर चुके थे। मंदिर के चारों तरफ बिखरी मूर्तियों को भी देख चुके थे। अब हमारी मंजिल थी त्रेता युग की वो गुफाएं जिन्हें जामवंत का ठिकाना बताया जा रहा था, जिसके लिए हमें नर्मदा को पार करना था। हम नाव में बैठकर नदी के दूसरे तरफ छोटी रिछावर की ओर चल पड़े थे। हम रायसेन जिले के नरसिंहपुर जिले में दाखिल होने जा रहे थे, जिनके बारे में दावा किया जा रहा था कि इन गुफाओं से होकर ही वो सुरंगें निकलती हैं जहां जामवंत साधना किया करते थे। और कुछ देर के सफर के बाद ही हम गुफा के मुखाने पर खड़े थे। ये गुफा थी, ये पहले बहुत बड़ी गुफा थी, हम लोग इसमें जाते थे, तो अंदर तक जाते थे, बहुत दूर तक पहुंचते थे, लेकिन चमगादड़ वगैरह जी रहती थी तो डर लगता था, तो निकल के भाग जाते। हाँ जी, बहुत बहुत दूर तक हमने ऐसा ही देखी वहाँ। क्या बचपन में आप लोग भी गए? गए हैं, थोड़े जा पाते और अंधेरी लगी रही थी वहाँ, जो समझ लो वही बर छाड़ से जर छाड़ तक आप हो जाओ। तो क्या यहाँ जामवंत जी आया कहते थे? नीचे नीचे आए हैं महाराज। कहते हैं कि गुफा से होकर यहाँ सुरंग निकलती है। जो नर्मदा नदी के नीचे से निकल कर आती है। साथ ही दावा ये भी किया जाता है कि ये गुफाएं बहुत ही गहरी हैं और वक्त की मार ने इसके मार्ग को कई जगह से अवरुद्ध कर दिया है, जिसे पार कर पाना आसान नहीं है। इसी से किए तो उस रास्ता था अंदर ही अंदर नर्मदा जी के नीचे नीचे, तो यहाँ से किए तो वहां जाते थे, वहाँ पूजन करके यहाँ आते थे। पिताजी भी बताते थे कि ऐसा ही देखा, दादाजी भी बोलते थे कि हम लोगों ने भी ऐसा ही देखा है। जामवंत जी यहाँ से जामगढ़ के लिए जाते थे, यहाँ नर्मदा जी के लिए भी जाते थे। जो गुफा के अंदर गर्भगृह के अंदर जो गुफा निकली, वो कहाँ जाती? नर्मदा जी के किनारे तक थी पहले। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि उनके पूर्वजों ने भी गुफा के अंदर जाने की कोशिश की है, लेकिन गुफा के अंदर ऐसी संरचनाएं हैं जो राह भटकाने का काम करती हैं। साथ ही अंधेरी और चमगादड़ों की आवाज से सहरन भी उठ जाती है। जहरीले जानवर का डर भी लोगों को गुफा में जाने से रोकता है, इसलिए आज तक गुफा का रहस्य ही बना हुआ है। जब हम लोग थे वो 18-20 वर्ष के करीब जी, तो जब खेलते थे तो जाते आते रहते थे, कम से कम 100-150 मीटर चले जाते थे अंदर ही अंदर। तो क्या सीढ़ी है वहाँ? सीढ़ी थी, सीढ़ी जाते थे तो चमगादड़ वगैरह जो रहती थी तो बीच कम कछु थे, लौट कर वापस आ जाते थे। कोई नहीं जानता कि वाकई में रिछावर में ही श्री राम ने 3 साल तपस्या की होगी, जनश्रुतियों ने इन कथाओं को जन्म दिया। कोई ये भी नहीं जानता कि रिछावर में दौलत का भंडार कहां छिपा है, या फिर ये भी एकमात्र कोरी कल्पना है। लेकिन एक हकीकत जरूर है, रिछावर से हजारों साल पुराना वैभव मूर्तियों के रूप में बाहर आ रहा है। सनातन संस्कृति की झलक साफ देखी जा सकती है। भारत के इतिहास और सभ्यता का अंकुर धरा से फूट रहा है, जो किसी खजाने से कम नहीं है। आज सरकार को इस विरासत को सहेजने का जतन करना चाहिए, जिससे वर्तमान को खोई हुई सभ्यता से परिचय करने का मौका मिले। मध्य प्रदेश के रायसेन और नरसिंहपुर से राजेश रजक की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत राजा महाराजाओं का देश रहा है, और हमारे देश में कभी सोने की चिड़िया इसको कहा जाता था। हो सकता है कि जैसे एक नगर का अतीत धरती से बाहर आ रहा है, उसी तरह कभी कोई खजाना भी सामने आ जाए। तो थी ना ये दिलचस्प पहेली। हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे एक पहेली पूछी थी, उम्मीद है कि अब तक आपने उसका जवाब ढूंढ लिया होगा। तो हमारी पहेली थी, 2 अक्षर का मेरा नाम, आता हूं मैं खाने के काम, उल्टा होने पर नाच जाऊं, अपना क्यों मैं नाम बताऊं। तो नाम मैं बता देती हूं,
क्योंकि इसका उत्तर है चना। उल्टा करेंगे तो नाच हो जाएगा। तो आज की पहेली में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज। We'll be right back.